बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देर शाम को देवरिया थाना क्षेत्र के रामलीला गाछी में ग्रामीणों की पशुओं की सामूहिक बलि देने पर प्रतिबंध लगाने पर उस समय बवाल हो गया जब इसको रोकने पहुंची पुलिस पर ही स्थानीय ग्रामीणों ने लाठे डंडे से हमला कर दिया और उन्हें खदेड़ दिया, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से 6 राउंड फायरिंग की भी सूचना है। इसके बाद लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। तब वहां पर की इस स्थिति को अनियंत्रित होता देख सूचना मिलने पर जिले के आला अधिकारी भी दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि एक धार्मिक स्थल है और वहीं श्रावण माह में इस अंतिम सप्ताह में महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, वहीं साथ ही वहां पर एक पशु की सामूहिक बलि देने की प्रथा है। इसी दौरान कुछ लोग पशुओं की बलि देने पहुंच गए थे तो पुलिस बल वहां मौजूद थी और इसे करने पर रोक दिया और तभी इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते भीड़ अनियंत्रित हो गई। तब इस भीड़ में से ही कुछ उपद्रवियों ने पथराव भी शुरू कर दिया। अचानक हुई इस पथराव से पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। तब जिला मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स भेजा गया। जवानों ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को भगाया। तब इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर कैंप कर रही है।